कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन का साइड इफेक्ट लगन के समय शादी ब्याह से जुड़े व्यवसाय पर सीधा पड़ने लगा है और फिलहाल हर जगह सन्नाटा पसरा है। ब्याह शादी में ढोल बजाकर अपना गुजारा करने वाले तथा घोड़ा बग्घी वाले अब भूखों मरने के कगार पर आ गए हैं, क्योंकि इन हालातों में शादी का मतलब है नो बैंड बाजा बारात। लॉकडाउन के चलते ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है, ऐसे में कई लोग शादी का कार्यक्रम आगे के लिए टाल रहे हैं। एक दो शादियां जो हो रही हैं उनमें सरकारी आदेशों के चलते बहुत कम लोग शामिल हो रहे हैं। बता दें कि लॉकडाउन की वजह से बैंड पार्टियों में काम करने वाले कलाकार, ढोल बजाने वाले और घोड़ा बग्घी वाले आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। शादी ब्याह के सीजन में होने वाली कमाई से उनके घर साल भर की रोटी का इंतजाम होता है, लेकिन लॉकडाउन में काम धंधे बंद होने से खाने के लाले पड़ गए हैं। आगे भी जल्द हालात सुधरने की उम्मीद नहीं है, ऐसे में इन लोगों ने प्रशासन से आर्थिक सहायता की मांग की है। ढोल बजाने वाले अरुण ने बताया कि एक तो प्रशासन ने सड़क चौड़ी करने के नाम पर हमारी झुग्गी तोड़ दी तथा साथ ही कोरोना संक्रमण के कारण फिर से लगे लॉकडाउन ने शादियों पर जो अंकुश लगाया है उससे वह भूखे मरने के कगार पर आ गए हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही। वहीं शादियों में घोड़ी बग्घी चलाकर अपने परिवार का पेट पालने वाले योगेंद्र और लेखराज ने दुखी मन से बताया कि लॉकडाउन में सब कुछ बंद हो जाने के कारण उनका काम बिल्कुल ठप हो गया है। अपने परिवार की भूखे मरने के साथ साथ उनके पास जो 6 घोड़े घोड़ियां हैं अब उनके भी खाने की चिंता सताने लगी है, जिनका एक दिन का खाने का खर्च 1,000 रुपए है। सरकार से कोई भी आर्थिक मदद नहीं मिली है। वहीं घोड़ी बग्घी वाले लेखराज ने बताया कि उनके पास 10 घोड़े घोड़ियां हैं, 3 महीने की कमाई में 6 महीने का खर्चा चलता है। इस सीजन तो कोई काम नहीं हुआ, जिससे लगन से जुड़े लोगों की हालात खराब हो गई है। लेखराज ने बताया कि एक सीजन में 20 से 25 शादियों का काम मिल जाता था, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से उनका बाजा बज गया है। इस चालू सीजन के सभी बुकिंग कैंसिल हो गए हैं। क्या नाम है? लेखराज। लेखराज जी, लॉकडाउन में शादियां नहीं हो रही, काम धंधे बंद पड़े हैं, किस तरह की समस्याएं आ रही हैं? समस्या जी, ये घोड़ी को खाने के लिए कहाँ से आए, हमारे लिए कहाँ से आए, बच्चे परेशान हैं, क्या करा जाए, सबरी समस्या है। तो अभी किस तरीके से अपना खर्चा चला रहे हो? किस तरीके से चला रहे हैं, बस ऐसा ही है, अपन ले रहे हैं किसी से पैसे कर्ज पे, खवा रहे हैं इनको, जब काम धंधा नहीं है तो कहाँ से खवाए इनको। हमारे पास समस्या बहुत ज़्यादा है, और ये लगा लो कि लॉकडाउन में बहुत भारी पड़ रहा है, घोड़ियों को राशन भी डालना, ये है कि अब खिलाए कहाँ से, शादियाँ थी जो वो बंद हो चुकी हैं, अब कैसे, ना तो कोई काम है हमारे पास, ना कोई रोजगार है, ना कोई सरकार कुछ दे रही है हमको कि भाई बैंड वालों का काम बंद कर दिया, घोड़ी बग्घी वालों का काम बंद कर दिया, इनको कुछ दिया जाए, कोई समस्या नहीं है, कोई कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, ना कोई सरकार सुन रही है हमारा। अभी तक प्रशासन की तरफ से कुछ सहयोग हुआ है? कोई नहीं, किसी का भी सहयोग कुछ नहीं है जी। ये घोड़ियाँ हैं, 6 घोड़ियाँ हैं हमारे अपने पास, ये राशन खाती हैं जी डेली, इनका डेली का खर्चा 1,500 रुपये है, और जो कि वो कर्ज लेके इनको खिलाया जा रहा है। क्या करें बस सर जी, काम बंद पड़ा है सारा, पानी में हमारी झुग्गी टूट चुकी है सारी, और काम सारा बंद है, बस खाने खर्चे से परेशान है बिल्कुल। वहाँ मैदान में आके झुग्गी लगाई है, पल्ली तरफ से हमारी झुग्गियाँ तोड़ दी है सर। शादियों में क्या करते हो? शादियों में ढोल बजाते हैं सर, बैंड बाजा, ये दुनिया की खुशी में बस काम करते हैं जो, बस सारा काम बंद है, खाने खर्चे से बिल्कुल परेशान है सर, बिल्कुल हर तरीके। सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग हुआ अभी? सर कोई सहारा नहीं है, पहले लॉकडाउन में कुछ राशन वासन भी मिल जाता था, अब तो नहीं, कोई राशन वगैरह कुछ भी नहीं मिल रहा है, खाने पीने के लिए बिल्कुल परेशान है हर तरीके से, नहीं सरकार कुछ कर रही है, नहीं खाने के लिए, ना प्रशासन कुछ कर रहा है।